गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड, हैप्पी, हेल्दी, फाइन। दिस इज पार्ट टू ऑफ डी यू एम फिल पी एच डी 2019 पेपर सॉल्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस जिस पे कल हमने छोड़ा था। आई थिंक वी डिड अप टू 30 क्वेश्चंस यस्टरडे, सो टाइम टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31 टुडे। ओके, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। जस्ट गिव मी वन सेकेंड एंड वी विल स्टार्ट। सो एज आई वॉज सेइंग कि हम लोग आज पार्ट टू कर रहे हैं एमफिल पीएचडी सॉल्यूशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी पेपर। पार्ट वन वॉज डन यस्टरडे नाइट एट 9 PM। आई होप यू गाइज वॉच्ड द क्लास यस्टरडे, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा आज के सेशन के बाद। आई होप यू हैव सब्सक्राइब्ड टू द चैनल टू जॉइन मी ऑन अन अकेडमी। यू कैन यूज माई रेफरल कोड सुप्रीत लाइव। वी आर गोइंग थ्रू अ प्राइस हाइक इन द NTA UGC नेट कैटेगरी वेरी वेरी सून ऑन अन अकेडमी, सो दिस इज द राइट टाइम टू बाई योर सब्सक्रिप्शन। हमारा नया कोर्स भी चल रहा है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2021 अटेम्प्ट। एंड देन अभी भी प्राइजेस लो हैं। ऑल्सो इफ यू बाय टुडे यू हैव अ स्कीम 6 month सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन गेट 1 month ऑफ फ्रॉम दिस वन। सो टू जॉइन माई क्लासेस एंड टू बाय सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई रेफरल कोड सुप्रीत लाइव। सो 30 questions down, let's see what is question number 31. क्वेश्चन नंबर 31 सेज आपको पिक करना है एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया करने वाले कुछ मेजर इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम मेजर इंस्टीट्यूशंस जो भारत में एनवायरमेंटल गवर्नेंस का काम करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल रिवर कंजर्वेशन, देन ऐसे ही सब में एग्जाम्पल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सेंटर फॉर साइंस है। There are different examples. Yes. I told a lot of you कि आप लोग अपने पेपर की तैयारी आज कर कर आइएगा and I'm so happy to see that personally I see a change where you guys went yesterday and practiced the paper. That makes me very happy. बिकॉज उससे हमारी गलतियाँ अवॉइड हो सकेंगे एंड वी विल प्रैक्टिस क्विकली बिकॉज टाइम कम लगता है वेन यू सी द क्वेश्चन बिफोर हैंड। सो द क्वेश्चन हियर आस्क्स फॉर अ पिकआउट ऑन एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया। एलिमिनेशन मेथड से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो होगा ही होगा बिकॉज वो एक ट्रिब्यूनल है, यानी क्वाजी जुडिशियल बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनवायरमेंट कंसर्न्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट करता है बिकॉज जुडिशियल एक्टिविज्म के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल जाता है टू पार्टिसिपेट इन दोज थिंग्स जो उसका रियल दायरा है नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेजर इंस्टीट्यूशन है। फिर हमारे पास बचता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, अगेन वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, नॉट रिलेटेड टू गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है, जो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। सबसे बड़ी और सबसे बेसिक बात तो यही है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के लिए हाँ करोगे तो वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है, वो एक एडजुडिकेशन बॉडी है। सो हमें इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये एलिमिनेट होगा तो मेरे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी इसमें से ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब हमारे पास NGT और एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट बचता है। ये दोनों हट जाएंगे बिकॉज ऑफ
देयर रिसर्च वैल्यूज, ये पॉलिसी मेकिंग में नहीं आते। इसके बाद हम अपने ऑप्शन वन को रिविजिट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास तीन बॉडीज हैं, नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टोरेट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग ऑन रिवर, देन एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट फॉरेस्ट बिल्डिंग पे, एंड देन कम्स द फर्स्ट वन द बिगेस्ट बॉडी क्वाजी जुडिशियल वर्किंग एज अ कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियली पॉलिसीज नहीं बनाता है, आपको एडजुडिकेट डंडा कर देता है उस पर कि करो सही से करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। इट कैन नॉट ब्रिंग आउट अ पॉलिसी, सो दैट्स वाई एलिमिनेटिंग सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन, एंड दीज टू बिकॉज ऑफ रिसर्च रीजन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ओनली बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंसर्न इन इंडिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दिस, हर ऑप्शन में एक गलत वर्ड शामिल करा गया है सिवाय ऑप्शन नंबर ए के। सो क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गॉट माई पॉइंट, अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। और बाकी आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, मेक्स मी वेरी हैप्पी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स आर्ग्यूड कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बींग मेजर्ड थ्रू वेल्थ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड एडुकेशन। डेमोक्रेसी इन सब स्तर से मैच करा जा सकता है जिससे वेल्थ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एडुकेशन एट पार लाए जाते हैं। अगेन ये जो काम है, दिस कम्स फ्रॉम SM लिप्सेट का आर्टिकल। सो SM लिप्सेट ने डेमोक्रेसी डिफाइन करते हुए उसका रिलेशनशिप इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ कनेक्ट किया था, और उसने बोला था जो रियल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री है वो चेक करी जा सकती है उसके वेल्थ, उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, उसके अर्बनाइज होने से और उसके एजुकेशनल स्किल्स से। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर SM लिप्सेट है, और ये उसका डेमोक्रेसी पे रिसर्च वर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज आर्ग्यूड ऑन द बेसिस ऑफ यूरोपियन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वॉर मेकिंग एंड स्टेट मेकिंग। नीचे लिखित कौन से स्कॉलर्स ने आर्ग्यू करा है कि जो हमारा यूरोप का हिस्ट्री है उसमें वॉर और स्टेट जब डेवलप हो रहे थे तो ना चाहते हुए भी दोनों का रिश्ता साथ साथ डेवलप हो रहा था। जैसे जैसे वॉर ने एक्ट करा वैसे वैसे बदले में स्टेट जो है डेवलप होता गया। एंड ये स्पेशली हमारा आता है इन रिलेशनशिप टू वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच का टाइम पीरियड, बिकॉज जब आप अपनी इकोनॉमी का डाउनफॉल देखते हो और आप उसको इतिहास में पढ़ते हो जाकर, तो आपको जर्मनी, फ्रांस, इन सारे कंट्रीज, इटली रिविजिट करके पता चलता है कि आज जो वो लोग हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उन पे वॉर ने कुछ बहुत क्लोज इम्पैक्ट्स छोड़े थे एंड वो उनके प्रेजेंट को शेप करते हैं। इस क्वेश्चन को यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफाई करने में नाम सामने आता है चार्ल्स टिली का। इनफैक्ट कुछ सालों से चार्ल्स टिली के क्वेश्चंस वैसे भी ज़्यादा आने लग गए हैं, बिकॉज उनका जो काम है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत पॉपुलर हो रहा है, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इस सेंस में दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड अस अ हिंट ऑफ कंपेरिजन। तो जब वो इंटरनेशनली कंपेयर करता है तो वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मेकिंग के प्रोसेसेस को कंपेयर करता है। सो चार्ल्स टिली का रोल आजकल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट थिंकर के रूप में देख सकते हैं। सो दिस इज एन इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके? याद रखिएगा अगली बार के लिए। हो सकता है कई बार ये क्वेश्चंस देख के ऐसे लगता हो अनहर्ड है, देखा नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम के लिए यू कैन रिमेम्बर दिस। लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। फिलिप पेटेट के अनुसार लिबर्टी का तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहले दो कॉन्सेप्ट नहीं पता, थर्ड पूछ रहा है, थिंकर नहीं पता, दैट मीन्स समवेयर दिस इज अ गेस वर्क। अ क्वेश्चन लाइक दिस फॉर एन एवरेज स्टूडेंट जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, ना ऑथर नोन है, ना लिबर्टी के फर्स्ट टू पार्ट्स नोन है,
दिस इज अ स्ट्रेंज आइडिया दैट हम थर्ड पे कैसे पहुंचेंगे सीधा. ऑल वी नीड टू डू इज एनालाइज. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज एक लिबर्टी आती है इसाही बर्लिन से. वो बहुत सिंपल डिफरेंसिएशन है. उसमें हम बांट देते हैं दो पार्ट्स में जो कि आसान है. एक है नेगेटिव लिबर्टी और दूसरा है पॉजिटिव लिबर्टी. इसाही बर्लिन के केस में हम बहुत आसानी से दो पार्ट्स में बांट देते हैं. फिलिप पेटिट क्या करता है, वो इसके ऊपर स्टडी करता है, इसाही बर्लिन की लिबर्टी को और एनालाइज करता है, और फिर वो अपनी तीन कैटेगरीज पेश करता है जो इसके नीचे आएंगी. अब अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन आसान कर दूं और मैं तुमसे ये कहूं कि तुम किसी और की नज़र से मुझे यहाँ नेगेटिव का एक आंसर दे दो, तो तुम लोग भाग के कौन से ऑप्शन की तरफ जाओगे? यू विल डायरेक्टली जंप टू ऑप्शन नंबर डी. बिकॉज जितना भी हमने नेगेटिव लिबर्टी के बारे में पढ़ा है, हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं, ये एक नॉन इंटरफेयरिंग स्फीयर है. एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंस, एब्सेंस ऑफ लिमिटेशंस, एंड यू ऑलवेज गो टूवर्ड्स अ स्टेप जहां पर आपको लगता है मैं अपने दायरे में पूरी तरीके से आजाद हूं. और हम लोग बार बार रिपीटेडली इसके लिए वर्ड भी यूज करते हैं, नॉन इंटरफेरेंस. सो दिस स्टैंड्स आउट एज अ क्लियर आंसर कि अगर मुझे पता ही ना हो स्कॉलर क्या है तो मैं आंसर नहीं कर सकती. बट अगर मुझे ये पता लग गया कि उसने इसाही बर्लिन के कॉन्सेप्ट पे अपना कॉन्सेप्ट ले आउट करा है, दैट मीन्स उसने नेगेटिव लिबर्टी को एनालाइज कर रखा है. और अगर मैं नेगेटिव लिबर्टी के एनालिसिस को पिन पॉइंट करूं तो मुझे आंसर ऑप्शन नंबर डी आराम से मिल जाएगा. सो हमने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लिया दो पार्ट्स में इसी वजह से, टू मेक इट मोर ईजियर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर है नंबर 35. लिबरल फेमिनिज्म को समझाने के लिए बेस्ट इसमें से क्या स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन फॉर दिस ईयर्स जेआरएफ यू कैन रिवाइज दिस क्वेश्चन. इक्वालिटी चाहती है कि हम जेंडर के रूल्स और बिहेवियर में एक बड़ा शिफ्ट ले आए, बदलाव ले आए. मेन और वुमेन को वही करना चाहिए है जो उन्हें अच्छा लगता है. वॉट एवर दे प्लीज डू दैट. Men and women should have equal freedoms. Men and women are exactly the same. मेरे students, पुराने regular classes आने वाले, ये बात जानते हैं कि मैं आपको यहाँ पर एक word imagine करने को कहूँगी, वो है Wollstonecraft का काम. मेरे को आंखें बंद करके इतना याद करना है कि अगर Wollstonecraft अपना काम दिखा रही होती तो वो क्या दिखा रही होती. इक्वल राइट्स, एडुकेशन, इमैनिसिपेशन. और उन लोगों का सिर्फ एक ही मानना था, और सिर्फ इतना था कि वाई नॉट गिव इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम टू बोथ. अगर हम उन दोनों को बराबर का हक दे देंगे तो लड़ाई का अंत पहले ही हो जाएगा. सो मेन एंड वुमेन शुड ऑलवेज बी ऑन एन इक्वल पेडेस्टल. उनका जो काम करने का, रहने का, सर्वाइव करने का तरीका है, उसमें इक्वल राइट्स एंड इक्वल लिबर्टी होना चाहिए. एंड तुम्हें पता ही है जब हम लिबर्टी की बात करते हैं, हमारा जो लिबर वर्ड है वो हमें किस वर्ड के पास लेकर जाता है. लिबर वर्ड हमें फ्रीडम के पास लेके जाता है. एंड आउट ऑफ ऑल द वर्ड्स अगर कोई ऑप्शन फ्रीडम हाईलाइट कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर आंसर एज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत क्या कह सकते हो, एक तरीके से कैप्चर करने वाला है. सो यू कैन लुक एट दिस व्हेन यू रिवाइज. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोर स्टडी, सेंट्रल आइडिया कौन सी थिंकिंग के लिए, इमैनिसिपेशन है. वेलफेयर, चेंज, सोशल अपलिफ्टमेंट,
दिस इज अ स्टेटमेंट डायरेक्टली आउट ऑफ आर नोट्स, हमारे नोट्स का डायरेक्ट कॉपीड, अगर हम मानना चाहें तो कॉपीड स्टेटमेंट है. इमैनिसिपेशन क्या होता है और कौन सी थ्योरी का बेस होता है. सबसे पहली बात तो ये है दैट कार्ल मार्क्स से इंस्पायर होकर फ्रैंकफर्ट स्कूल के ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ने कहा था, ऑल द फिलोसोफर्स टेल अस दैट वर्ल्ड इज सपोज टू बी चेंज्ड बट नो वन टेल्स अस हाउ इट इज सपोज टू बी चेंज्ड. कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू इमैनिसिपेट, हमें सोशली चेंज लाना पड़ेगा. हमारा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है नियोग्राम्सकियन अप्रोच का, रॉबर्ट कॉक्स की थ्योरी का, एंड्रयू लिंकलैटर के नॉर्मेटिव आइडियाज का, फेमिनिज्म का, पोस्ट मॉडर्निज्म का. एंड आप सब को देख लोगे तो सब ओरिजिनल थ्योरीज को चेंज करते हैं. ऑल दे वॉन्ट इज टू चेंज द वर्ल्ड अराउंड देम. इसलिए हमारे IR के चार ऑप्शंस में से एक इकलौता ही आंसर है जिसका कोर वर्ड इमैनिसिपेशन है, और वो है ऑप्शन नंबर डी, क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट या फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट. ठीक है, सो दिस वॉज आंसर डी. हमारे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37. आपको बताना है हमारा कौन सा स्कॉलर इसमें से डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी से जुड़ा हुआ है. हमारे गिवन स्कॉलर्स में से कौन सा स्कॉलर डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी से जुड़ा हुआ है. वॉलस्टीन, केनेथ वॉल्स, रिचर्ड एशले, माइकल डोयल. अगर मैं आपकी जगह पे होती हूँ, मैंने क्वेश्चन पहले कभी ना सुना होता तो मैं एलिमिनेशन यूज करती, बिकॉज इमैनुअल वॉलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम का है एंड वो यहाँ पर बिलोंग ही नहीं करता. केनेथ वॉल्स न्यू रियलिस्ट है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी नाम का कोई शब्द आस पास भी घूमेगा नहीं. रिचर्ड एशले पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है एंड आंसर में माइकल डोयल बचता है. अगर मेरे को ये क्वेश्चन बिना ऑप्शंस के मिलता तो मेरा पहला रिस्पांस आइडियलिस्ट थिंकर कांट होता, इमैनुअल कांट. अभी आपने इमैनुअल कांट मेरे साथ पढ़ा नहीं है, आई नो दैट क्लास इज लैकिंग, मतलब वो टाइम की वजह से पीछे चला जा रहा है. बट जब आप पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि ओरिजिनल फाउंडर कांट है. ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज समझा देती हूँ. ये जो वर्ड है, ये जो सॉरी थिंकर है माइकल डोयल, इसके कॉन्सेप्ट के पीछे थीसिस लगा है, कांट के पीछे थ्योरी लगता है. और माइकल डोयल की थीसिस किसकी इंस्पिरेशन है, कांट की इंस्पिरेशन. तो उसने मेंशन किया है कि उसका जो काम है वो कांट से आया हुआ है. जो माइकल डोयल का काम है, व्हेन ही इज राइटिंग डाउन द थीसिस ही इज गिविंग हिज ओड टू इमैनुअल कांट. तो चुराया नहीं है उसने कॉन्सेप्ट, उसने रिस्पेक्टफुली ऑफर करा है कि उसका थीसिस कहाँ से आ रहा है. दैट इज वाई अनडाउटेडली कांट रिमेन्स द ओरिजिनल आइडिया. बट इस क्वेश्चन में जो ये ऑप्शन है ये इसी से आ रहा है, दैट्स वाई ही हैज प्रेजेंटेड द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी थीसिस एंड दिस स्टैंड्स इन रिलेशन टू कंपेरेटिव इंटरनेशनल रिलेशंस. फॉर फर्दर क्लैरिटी, अगर आप माइकल डोयल पढ़ना चाहो, अगेन अ फेमस नेम यू कैन सी इन योर क्वेश्चंस, तो आप लोग पढ़ सकते हो. ठीक है, सबको क्लियर हो गया. हाउ इज दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू कांट बट स्टिल कांट इज नॉट द आंसर, एंड वाई इज कांट नॉट द आंसर, बिकॉज डोयल हैज हिमसेल्फ रेफर्ड हिज सोर्स एज इमैनुअल कांट. क्वेश्चन नंबर 38, वन ऑफ दोज क्वेश्चन which I have been continuously giving you, एक आधे टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में, also I have mentioned, taken this in my past MCQ classes. कौन सा स्कॉलर है जिसने संस्कृताइजेशन वर्ड कॉइन करा है. इन फैक्ट ये एक बार हमारे नेट के पेपर में भी PYQ बन के आ चुका है. ये PhD एंट्रेंस का भी क्वेश्चन है जो कि JNU का पेपर हुआ था 2020 में, कोविड के दौरान जब पेपर हुआ था उस दौरान भी यही क्वेश्चन आया था सेम अभी, और 2019 के DU में भी सेम क्वेश्चन आया है. और ये बहुत फेमस है, आई थिंक सबको नाम भी याद हो चुका होगा अभी तक. MN श्रीनिवास रिस्पॉन्सिबल है संस्कृताइजेशन शब्द के लिए. सो उसने कॉइन किया है ओरिजिनली.
यस, ये टेस्ट सीरीज में भी है और मेरे पुराने एमसीक्यू क्लासेस में भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, अ वेरी अननोन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ट्राई करके देखिए, आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग आफ्टर दैट। कौन सा स्कॉलर डुअलिटी ऑफ स्टेट प्रोसेस की बात करता है, मतलब टू स्टेप ऑन एनालिसिस इन द स्टेट इन इंडिया। भारत के राज्य की पॉलिटिक्स पढ़ते हुए इसमें से कौन सा एक स्कॉलर ऐसा है जो डुअलिटी प्रोसेस की बात करता है, यानी जब आप स्टेट को स्टडी करते हो, वी स्टडी इट इन अ टू स्टेप प्रोसेस। ओके, कन्वीनियंटली अ लॉट ऑफ यू आर चूजिंग अप ऑप्शन नंबर ए बिकॉज सुना हुआ नाम है, एंड देन राजीव भार्गवा का आइडिया हम लोग पढ़ते हैं व्हेन वी डिस्कस अबाउट इंडियन स्टेट, बट नो इट इज नॉट राइट। आई विल गिव यू अ सेकेंड चॉइस, आप लोग दोबारा से कुछ ट्राई करना चाहते हो, दिस इज नॉट राइट। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम। नीरा चंदोक का स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया से कनेक्शन है, बट बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं, रेवोल्यूशन वाले पार्ट से ज़्यादा है। सो नीरा चंदोक को एलिमिनेट कर दीजिए, उनका रिलेशनशिप यहाँ आएगा नहीं। आई नो आप लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ है इस बारे में, आई नो दैट, आई अंडरस्टूड फ्रॉम द डिस्कशन वी हैड इन द इवनिंग कि ये वर्ड्स और थिंकर्स आपके लिए अननोन है। आई प्रोमिस यू टू ब्रिंग अ क्लास इन द जुलाई सेशन, जब हम यूट्यूब सेशंस करेंगे, आई प्रोमिस यू टू ब्रिंग अ क्लास ऑन थिंकर्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। जैसे पिछली बार हमने फेमिनिस्ट थिंकर्स करे थे, इसके बाद हमने आईआर थिंकर्स करे, आई एम प्लानिंग इन जुलाई टू ब्रिंग आउट थिंकर्स ऑन स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। सो ये सब तब कवर हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए ना अचिन विनायक ने कभी बात करी है डुअल स्टेट की, ना नीरा चंदोक ने करी है, राजीव भार्गवा इस लीग का ही थिंकर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर मनोरंजन मोहंती है। अगेन गाइस, एक और रिक्वेस्ट है, मनोरंजन मोहंती या नीरा चंदोक की आपको किताबें नहीं मिलेंगी एज सच, ये लोग जॉन रॉल्स या जेएस मिल जैसे थॉट्स नहीं है, दे आर इवॉल्विंग थिंकर्स और उनका जो आइडिया है वो स्टेट पॉलिटिक्स में डेवलप हो रहा है अभी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? मनोरंजन मोहंती इज अ वेरी फेमस नेम राइट नाउ, एंड जब स्टेट पॉलिटिक्स की बात आती है तो उन्होंने क्या करा है, इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स को एनालाइज करा एज अ टू स्टेप प्रोसेस, यानी आपके देश में दो एलिमेंट्स कैसे मौजूद होते हैं, लाइक ऑन द अदर हैंड आप प्रैक्टिस कर रहे हो अ फीलिंग लाइक टोटलिटेरियनिज्म और अ फीलिंग लाइक कम्युनिज्म, और दूसरे हाथ पर आप भाग रहे हो टुवर्ड्स कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सो उसके बीच का जो जर्नी होता है, जो नए देशों के साथ हर समय इवॉल्विंग जर्नी आता है, उसे मनोरंजन स्टडी करते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन आपको रिसेंटली कराया था एक स्पेशल क्लास में, आंसर बताइए जल्दी से। माइकल फुकोल्ट का कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, इसमें से कौन सा यूज किया जा सकता है? जो लोग आज मेरे प्लस सेशन में थे उन्हें तो पता ही होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूं। वेल डन गाइस, वेल डन। पैस्टोरल पावर, प्रोडक्टिव पावर, नॉलेज इज पावर, All of these stand with Michael Foucault. आपको इसमें से क्या दे रखा है? Productive power, bio power, दूसरा नाम होता है इसका। If you want to study this, there is a free session available on Unacademy Plus. Just go and search my profile Supreet Dhamija, अगर आप अभी follow नहीं कर रहे हो तो उस पर आपको special class मिलेगा, 2 month पहले का free class. Go and attend that. It is a full class on Michael Foucault and his concept of power. Question number 41. You have some scholars, then you have some school of thoughts, and नीचे आपके पास इनके combination है. Hans Morgenthau, Farid Zakaria, Hedley Bull, Kenneth Waltz. सब अभी कराया है Farid Zakaria को छोड़कर. लास्ट हफ्ते यूट्यूब में सारा कराया है।
लेट्स सी व्हाट इज द इजीएस्ट मैच फॉर अस. वी शन गो विद डी एंड फोर बिकॉज केनेथ वॉल्ट्ज एंड नियो रियलिज्म हमारा फिक्स्ड आंसर है. हमें या तो ये आंसर मिलेगा या ये मिलेगा. और कुछ इसमें जो हमें स्पेशलाइज कर सके, हैंस जे मॉर्गनथाउ के साथ क्या जाना चाहिए है, क्लासिकल रियलिज्म. सो आर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, हैंस जे मॉर्गनथाउ, ऑप्शन नंबर टू क्लासिकल, केनेथ वॉल्ट्ज, ऑप्शन नंबर फोर नियो. एंड इसके अलावा वी कैन गो विद फरीद जकारिया नियो क्लासिकल, एंड देन हेडली बुल सिक्योरिटी में लिबरल. वैसे हेडली बुल का ऑप्शन गलत दे रखा है, इट शुड नॉट बी मार्क्ड हियर, बट वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, तो हमें जाना पड़ेगा विद आंसर बिकॉज हमें मॉर्गनथाउ क्लियर है, केनेथ क्लियर है. उन दो बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है. आई हैव ऑलरेडी रिटन इट. नेक्स्ट आता है दूसरा मैच द फॉलोइंग, अ गुड मैच द फॉलोइंग. दिस इज आपको कुछ बुक्स दिए गए हैं और ऊपर आपको कुछ स्कॉलर्स दिए गए हैं. सो यू हैव कांशीराम, यू हैव ई वी रामास्वामी, बी आर अम्बेडकर एंड ज्योतिराव फूले, गुलामगिरी, चमचा एज, कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, वाई वर वुमेन एनस्लेव्ड. वेरी इजी, यू शुड फर्स्ट गो विद द इजिएस्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन. आपको सबसे पहले जाना चाहिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड वॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स के साथ. सो यू शुड ट्राई टू मैच सी एंड थ्री फर्स्ट जो हर जगह है. देन वी कैन गो विद गुलामगिरी और द चमचा एज, वॉट एवर सूट्स यू. ओके, सो लेट्स सी सी एंड थ्री. देन वी हैव डी, वाई वर वुमेन एनस्लेव्ड, शुड गो विद ज्योतिराव फूले, शुड गो विद गुलामगिरी, डी एंड वन. We have Kanshiram should go with the Chamcha H, A and 2. A and 2, D and 1, C and 3. We got option number C as the answer. Kanshiram ne Chamcha H likha hai. Jyotirao Phule ne Gulamgiri likha hai. Ramaswamy Naikar ne Why Were Women Enslaved likha hai. Aur B.R. Ambedkar ne What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables likha hai. So, our solution hai option number C. Let's go towards the next question. Question number 43. Michael Sandel, Robert Nozick, Will Kamlaika, Michael Walzer. यहाँ पर कुछ communitarians हैं, libertarians हैं और multiculturalist हैं. और ये question directly copy भी कर सकते हैं JRF के लिए. इतना important books और authors का combination है ये. Very good question this is. इसमें से हमने सबकी बुक्स कर रखी हैं, सबकी. थिंक करेक्टली, ओके. क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान से सोच के करो. सी और फोर तो होगा ही होगा, सी और फोर तो आंसर होगा ही होगा. सी और फोर के हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है. तो हम काट देंगे अपने इस ऑप्शन और इस ऑप्शन को. अब हमारे पास बचता है हम डी एंड थ्री करें, डी एंड वन करें. अगर हम डी के साथ थ्री करते हैं तो हमारे पास आता है वॉल्जर स्फीयर्स ऑफ जस्टिस. अगर सी करते हैं तो हमारे पास आता है वॉल्जर एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए है, हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए बी एंड रॉबर्ट नोजिक एंड वन. एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया किसकी किताब है? आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, नॉट ऑप्शन नंबर सी. कम ऑन, बुक ध्यान से देखो. वी हैव रॉबर्ट नोजिक ऑन द स्क्रीन. सारा क्वेश्चन का डाउट ही निकल गया वहां से. सो यहां से हम कैंसिल आउट करेंगे एंड आर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बी एंड वन. सो इट्स नॉट ऑप्शन नंबर सी, इट इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, क्लैरिफाइड एवरी वन? डन टिल हियर. ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है?
ओके टिल 43 क्वेश्चंस एवरी क्वेश्चन हैज बीन डन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 44. अतुल कोहली, द्वैपन भट्टाचार्य, क्रिस्टोफर जेफरलेट, संजीव बरुआ. पार्टी सोसाइटी, साइलेंट रेवोल्यूशन, ड्यूरेबल डिसऑर्डर एंड क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी. Most important point is you have to match Silent Revolution since it is a very 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 famous work. Again, एक ऐसा question जो आपको बार बार papers में देखने को मिलेगा, चाहे आप MPhil की entrance दोगे या फिर आप masters दोगे या net का दोगे. So Christopher Jeffrelit और Silent Revolution यानी C और 2 साथ में जाना जरूरी है. इकलौता option पूरे question paper में जहाँ C और 2 है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है. दैट इज वाई करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है. इसके अलावा आप जो चूज करना चाहो आप कर सकते हो कंफर्टेबली. आप चाहो तो आप अतुल कोहली कर लो क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, वो भी आपको सही आंसर दे देगा. सो मेरे हिसाब से आई वेंट विथ जेफरलेट बिकॉज वो वैसे भी बहुत फेमस हो चुका है आजकल क्वेश्चन. नेक्स्ट वी कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 45. ओके अगेन सारे ही मैच द फॉलोइंग, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही वैसे हैं जो आपको पेपर्स में सेम रिपीट होते हुए दिखेंगे. रॉबर्ट कॉक्स, सिंथिया एन लोए, रॉबर्ट गिलपिन और एना टिकनर सारे IR स्कॉलर्स हैं. नीचे उनकी किताबें हैं, सबसे बेस्ट बुक्स आपको मैच करनी है. इसमें से दो बुक्स तो मैं बहुत कराती हूँ, लाइक अनलिमिटेड टाइम्स आई हैव रिवाइज्ड देम. स्पेशली वन ऑफ द बुक्स इज जो हम हर रिवीजन सेशन में बार बार यूज करते हैं. फर्स्ट यू शुड गो विद सिंथिया एन लोए एंड यू शुड क्विकली मैच ऑप्शन नंबर 4 बिकॉज बनानास बीचेस एंड बेसिस मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपका सबसे क्लियर आंसर जाना चाहिए है एज ऑप्शन नंबर 4. तो जब आप बी और 4 ढूंढने जाओगे सो आपको लास्ट के दो ऑप्शंस दिख जाएंगे, ऊपर के दो हट जाएंगे. फिर आप जाओगे एना टिकनर के साथ, दोनों जगह सेम आंसर है और वो है जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ठीक है, अब बचता है हमारे पास रॉबर्ट गिलपिन और बचता है रॉबर्ट कॉक्स. इसमें से हमारे पास क्या आंसर है? हमारे पास इस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा बुक है जो हम लोग रॉबर्ट कॉक्स से जोड़ सकते हैं? हमारा प्रोडक्शन, पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ. और जब हम ए और 3 मैच करेंगे हमारा आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर, नियो ग्राम्स्कियन और जहां तक बचता है ऊपर वाला जो कि है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वो जाएगा रॉबर्ट गिलपिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 अगेन एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है. एंथनी डाउन्स, मैंकर ऑल्सन, एलिनॉर ऑस्ट्रम एंड डुगलस नॉर्थ. इसमें से मुझे नहीं लगता आपने कोई ज्यादा नाम सुने होंगे, शायद डुगलस का सुना हो या एंथनी डाउन्स का सुना हो, उसके अलावा मुश्किल है. ट्राई करके देखिए, नहीं तो वी विल गेट अ न्यू क्वेश्चन टू सॉल्व.
ओके, लेट मी हेल्प यू विद दिस क्वेश्चन. सो द फर्स्ट हिंट इज यू हैव टू गो विद एंथनी डाउन्स इन ऑप्शन नंबर 3. ए एंड 3 फिक्स होगा. देन यू हैव टू गो विद डगलस एज इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल चेंज एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. डी एंड 1 सेम होगा. सो आंसर इन दोनों में से कोई होना चाहिए है. इसके बाद हम आते हैं मैंकर ऑल्सन के ऊपर. हमारे आंसर में हमारा जो करेक्ट वो बैठेगा वो है वी विल गो विद मैंकर ऑल्सन विद गवर्निंग द कॉमन्स एंड एलिनॉर ऑस्टम विल गो विद जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. यस, मैंकर ऑल्सन विल गो विद लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन एंड गवर्निंग कॉमन्स विल गो विद एलिनॉर ऑस्टम. आंसर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी है. इस क्वेश्चन का आंसर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी है. डी. क्वेश्चन नंबर 46, वी हैव टू चूज द लास्ट ऑप्शन. दोनों ऑप्शन सेम है, जो बी एंड सी है वो आपस में मिक्स मैच होगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47. विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज द आइडिया ऑफ स्टेट इफेक्ट एसोसिएटेड. Not heard of the question, very very difficult. It's okay, you can try. There is no harm in trying. State effect. Do you want me to make you understand state effect hota kya hai? State effect ka matlab hota hai jab aapka economic and political system ek output produce karta hai state ki nazar, state ke daire ke hisab se. Reflection state ka hota hai. हर एक पड़ाव पे जो आइडेंटिटी है वो रिलेट हो जाती है विद हाउ स्टेट फंक्शंस, हाउ स्टेट वांट्स पीपल टू फंक्शन. उसे हम स्टेट इफेक्ट बोलते हैं. मतलब हमारा हर स्तर पर जो जवाब देना या हमारा जो हर स्तर पर पार्टिसिपेशन होता है नेशनली इंटरनेशनली वो स्टेट बॉडी से इफेक्टेड होता है. इसे मिलाकर स्टेट इफेक्ट कहते हैं और इसका थिंकर टिमोथी मिशेल है. टिमोथी का एक रिसर्च वर्क है स्टेट इफेक्ट के ऊपर. सो इनमें से कोई भी स्कॉलर ने कभी भी स्टेट इफेक्ट की बात नहीं करी. ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से होना था. ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, आउट ऑफ सिलेबस है अगर आप GRF पर्पस से तैयारी कर रहे हो. लेकिन अगर आप PhD एंट्रेंसेज या MPhil के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है साथ साथ में. सो आइदर वे यू हैव लर्नड अ न्यू थिंग. अगर अभी गलत भी गया है तो टिमोथी का नाम आपको आगे के लिए कभी ऐसा नहीं रहेगा कि हमने सुना नहीं था. वंस यू डू इट नाउ यू विल अंडरस्टैंड फॉर फ्यूचर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48. कौन से स्कॉलर ने IR में एक फेमस स्टेटमेंट दिया था, थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस. अगर आप मेरे लास्ट 2 यूट्यूब सेशंस में कंसिस्टेंट थे तो ये मेरे PDF का अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है. ओपनिंग लाइन था उसमें से एक स्कॉलर का दैट जब भी हम डैश का नाम सुनते हैं हमें सिर्फ इतना याद आता है कि एक थ्योरी हमेशा किसी के लिए और किसी पर्पस के लिए बनाई जाती है. एंड इसके लिए मैंने आपके साथ शेयर किया था हमारा रेडिकल IR स्कॉलर जिसने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन क्रिटिकल स्कूल में दिया है और वो है नन अदर देन रॉबर्ट कॉक्स, द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. यस स्वाति, वेल डन. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और द नियोग्राम्सकियन आइडिया बोथ मेक हिम वेरी वेरी स्पेशल एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, वेल डन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है. लास्ट टू लास्ट वीक हमने एक
क्लास करी थी जिसका नाम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है। जब मैंने आपके साथ ये क्लास करी थी तो मैंने आपके साथ इसमें एक सब टॉपिक इंक्लूड करा था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, यहीं पर अपने अनअकैडमी के जो यूट्यूब क्लासेस होते हैं रात वाले, उसमें मैंने आपके साथ एक सब टॉपिक शेयर किया था सबाल्टर्न स्टडीज। सबाल्टर्न स्टडीज में मैंने आपको एक बहुत फेमस स्कॉलर से इंट्रोड्यूस कराया था, मैंने आपको कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स बताए थे, एंड अगर आप उस क्लास में थे तो आपको क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सीधा आंसर नजर आ जाएगा। कॉलोनियल इंडिया का एक ऐसा हिस्टोरियन बताइए जिसने आज तक के हिस्टोरिकल डिस्कोर्सेस को यानी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए कॉलोनियल रूल में जो पावर के रिश्ते हैं उन्हें गलत दिखाया गया है ये बोला, और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि हमारी जो हेजेमोनिक कंडीशंस हैं उन्होंने हमारी कॉलोनियल कंडीशंस के साथ मिलकर हमारे देशों को, स्पेशली एशियाटिक कंट्रीज, सब कॉन्टिनेंट को बहुत डिस्ट्रॉय करा है। और वो स्कॉलर सिर्फ और सिर्फ रंजीत गुहा है। आपको ये बात पता है कि बार बार कई क्लासेस में मैंने ये नाम आपको याद करने को बोला है, इवन दो अगेन ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला रीसेंट टाइम्स में, बिकॉज पिछले कुछ सालों में रंजीत गुहा का जो पोजीशन है वो 0 से 100 पहुंच चुका है इन द पॉपुलैरिटी ऑफ सच स्टडीज। और ये सारी स्टडीज क्या करती हैं, इंडिया से शुरू हुई हैं और आगे फैलती जा रही हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसा एंट्रेंस होगा तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रंजीत गुहा सबाल्टर्न स्टडीज का क्वेश्चन हमेशा आएगा। इसलिए जब आपको बार बार एक नाम याद कराया जा रहा है तो आप फ्यूचर पर्पस के लिए उसे याद कर लीजिए, ठीक है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द PhD एंट्रेंस ऑफ 2019। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव से कैसे अलग है, ये हमारी प्लस क्लास हुई है 4 days back जिसमें हमने डेमोक्रेसी का क्लास करा था बिफोर एंडिंग आर यूनिट नंबर 1। इस क्लास में हमने डेलिब्रेटिव यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव का फर्क कर रखा है। गाइज, सो द क्वेश्चन है कि डेलिब्रेटिव और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में फर्क क्या है, है ना। हम पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं, ए को छोड़ देते हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। डेलिब्रेटिव यानी जो डिस्कशन बेस्ड डेमोक्रेसी होती है वो चाहती है कि लोग कंसेंसस पे आए। आप लोगों को मालूम है ये वर्ड, आप लोगों के साथ शेयर किया गया था ये वर्ड जैसे ही चैप्टर शुरू हुआ था कि कंसेंसस शब्द को साथ में रखिएगा थ्रू आउट व्हेन यू आर स्टडिंग डेलिब्रेटिव। तो ये आंसर यस होगा। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज यानी टॉलरेशन रिक्वायर करता है, अगेन अ वर्ड विच आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू कीप इन माइंड जब भी आप इस तरह की, बिकॉज आपको डिस्कशंस करने हैं ना यार, आपको एक टॉपिक पे सॉल्यूशन पे आना है, यू कांट कीप ऑन फाइटिंग, कॉम्प्रोमाइजेस होंगे ही होंगे। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी फोकसेस ऑन प्रोसेसेस रादर देन ऑन इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस होते ही रिप्रेजेंटेटिव का हिस्सा हैं, उनको स्पेशलाइज करने की बजाय डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी वोटिंग पे ना ध्यान देके अपने रेफरेंडम या ग्रुप डिस्कशंस, टाउन हॉल मीटिंग्स तरह के स्टेप्स पे, प्रोसेस पे ध्यान देता है, ये उसकी सबसे बड़ी निशानी है। तो अगर हमसे कहता कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में नहीं है, एक आंसर चूज करो, तो हम चूज करते ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो सबसे पहला बड़ा डिफरेंस है। लेकिन जब उसने हमें ऑप्शन नंबर 1 में ऑल ऑफ द अबव दे दिया तो हमें ऑप्शन नंबर ए चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नीचे के सारे आंसर्स गलत नहीं है। अगर 1 स्ट्रॉन्ग ऑप्शन कहता ना, ऑल ऑफ द अबव होता ही ना, तो ऑप्शन बी चूज करते। फिलहाल के लिए आप चूज करोगे ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर एग्जैक्टली सॉल्व कराया है, चाहे क्वेश्चन का रेलेवेंस है या नहीं है, पेपर 1 का केस स्टडी का क्वेश्चन है, जो भी है सब सॉल्व करवा दिया। बट आई थॉट व्हाई नॉट यूटिलाइज द क्लास एंड डू अ लिटिल बिट
स्नीक पीक ऑफ 2018 पेपर. सो आई हैव एडेड अ फ्यू क्वेश्चंस एज अ सरप्राइज फॉर यू. आई एम ऑल्सो कवरिंग एम फिल पी एच डी एंट्रेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी 2018 के कुछ 6-7 अच्छे क्वेश्चंस. सो वी विल स्टार्ट दिस टुडे. इफ यू लाइक सेशंस लाइक दीज, अगर आपको ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाले अच्छे लगते हैं सेशंस, सो वी विल डू सम मोर सेशंस लाइक दिस. आज के लिए डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम 2018. क्वेश्चन नंबर 1, लॉक का कॉन्सेप्शन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या ट्रू बोलता है. लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्शन किस बात को ट्रू बोलता है. हमारा जो आइडिया है स्टेट का, वो पुअर नास्टी ब्रूटिश शॉर्ट पे बेस्ड है. पार्टिसिपेंट्स डिसइंटरेस्टेड हैं एक दूसरे के गुड या भलाई में. पॉलिटिकल सॉवरन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता. सिविल सोसाइटी पहले आएगी, पॉलिटिकल सोसाइटी बाद में आएगी. ये हॉब्स है ये लॉक है. सो ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन था. 4 स्टेटमेंट आपको हॉब्स के दे दिए, सॉरी 3 और 1 लॉक का दे दिया. सो आपको पिक करना था सिर्फ लॉक वाला. एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट आते हैं 2018 पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो आपके लिए बहुत स्पेशल है. और ये क्वेश्चन मैं देखना चाहूंगी कौन कर पाएगा. न्यू पब्लिक सर्विस थ्योरी किसको अपना रूट जड़ कॉज नहीं मानती है. डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की थ्योरीज को, कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी को, ह्यूमनिज्म और डिस्कोर्स को, पब्लिक चॉइस को. सॉरी, न्यू पब्लिक सर्विस थ्योरी किससे अपना रूट कंसिडर नहीं करती है. नीड एनी हेल्प? क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. वेट, आई विल हेल्प यू विद द क्वेश्चन. ओके, दिस कम्स डाउन फ्रॉम अ चैप्टर ऑफ 2 यूनिट्स. एक तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एंड दूसरा पब एड. तो वैसे वो एक ही चैप्टर होता है, देखा जाए तो वो एक ही चैप्टर है, बट आपके सिलेबस में अलग अलग कर रखा है. न्यू पब्लिक सर्विस थ्योरी आपको चीजें सिखाती है सामाजिक दायरे से, ठीक है. आपको सिविल सोसाइटी का हिस्सा बनना सिखाती है. अगर आप लोगों ने यूनिट 8 पढ़ा हुआ है तो मैंने आपको सिविल सोसाइटी पढ़ाई है, वो आपको साथ में एग्जिस्ट करना सिखाते हैं. एंड ये सारा जो पार्ट है वो हमारा कोडिपेंडेंस थ्योरीज पे आता है, एक दूसरे पे निर्भरता से. तो आप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को गलत नहीं कर सकते, नॉट पूछा है ना, तो ये सही है. कम्युनिटी सिविल सोसाइटी सही है. एंड ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म अगेन स्टेप करता है इंडिविजुअल प्लस कम्युनिटी के परस्पेक्टिव से. डिस्कोर्स थ्योरी शेयर करता है ट्रूथ के ब्रेकडाउन से, मतलब जब आप डीकंस्ट्रक्ट करते हो सारे सोसाइटी के एलिमेंट्स को और नए सिरे से बनाते हो, ये सारा कुछ है. लेकिन जो पब्लिक चॉइस थ्योरी है वो इसका ट्रेडिशनल पार्ट है. पब्लिक चॉइस थ्योरी सिर्फ इंडिविजुअल को फोकस करती है और उसको पर्सनली चॉइसेस लेने पर प्रेरित करती है, जो उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं. लगभग 2 PhD पेपर्स में ये क्वेश्चन ऐसे तरह के आ चुके हैं जो सिविल सोसाइटी वगैरह से जुड़े हुए होते हैं. इसमें से एक JNU का पेपर था एंड दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर डी है. आप पब्लिक चॉइस को एलिमिनेट करेंगे और ऊपर के 3 को यस बोलेंगे. क्वेश्चन समझ आया सबको? बहुत डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन था लेकिन इंटरेस्टिंग है. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस वॉज पार्ट ऑफ माई मास्टर्स रिसर्च वर्क. पैराडॉक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन भारत में किसने एम्फसाइज किया. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. पैराडॉक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन,
दिस इज बेस्ड ऑन हिंदू मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, बता देती हूँ आपको. एंड आजकल आपको ये नाम टीवी में बहुत नजर आ रहा होगा इन ऑल द पॉलिटिकल डिबेट्स दैट वी हैव बीन सीइंग, जब से बीजेपी का कम्युनल आइडियाज में नाम थोड़ा ज्यादा दिखने लग गया है. योगेंद्र यादव इज द नेम. यू मस्ट हैव सीन ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट, नाम बहुत उछल रहा था. अभी भी एवरी डे इफ यू वॉच अ न्यूज चैनल होल्डिंग डिबेट्स इन द इवनिंग, यू विल सी योगेंद्र यादव अप ऑन द स्क्रीन्स. सो पैराडॉक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हिंदू मुस्लिम पे है. कवर्स अ ब्यूटिफुल एक्सर्प्ट. If you want, I can share the article with you. It is very, very beautiful. EPW का article है, Economic Political Weekly. अगर आप interested हैं, I will forward you the link. Have a look at it and try to understand what was the status of politics in India when he wrote this article. ठीक है? It will open your mindset. जब हम state politics को पढ़ते हैं, उसका एक नया रूप दे देगा. अगर आप interested हैं इस प्रकार के electoral politics study में, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. हु हैज ट्रेस्ड द एवोल्यूशन ऑफ बीजेपी इन टर्म्स ऑफ ऑसिलेशन बिटवीन मॉडरेशन एंड मिलिटेंसी. अगेन अ गुड क्वेश्चन. नेट में आने का चांस काफी कम है बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस नेट देता नहीं है, लेकिन पीएचडी एंट्रेंसेस में बहुत चांस है क्वेश्चन रिपीट होने का. ऑलराइट, आई विल अटैच द आर्टिकल बाय टुनाइट. ओके, आई विल फाइंड इट and I will attach the link to you guys. Evolution of BJP, किसने oscillation बताया, मतलब एक ऐसी पार्टी जो moderation और militancy के बीच में चक्कर खा रही है. Any guesses? It's not योगेंद्र यादव this time. This time it is not योगेंद्र यादव. This time it is someone who talked about silent revolution upar. Someone who also covers India ka ground politics. It's Christopher Jeffrelett again. ठीक है? So BJP ko define kara gaya hai again Economic Political Weekly ke ek article mein. Christopher Jeffrelett ne ye term kara tha. That BJP is a party whose ideas are revolving, oscillating, मतलब यहाँ से वहाँ pendulation हो रहा है between two points. एक तरफ moderation होता है और फिर एक तरफ एकदम militancy का रूप देखने को मिलता है. आगे बढ़ते हैं question number 5 के ऊपर. Question number 5 एक बहुत वैसा question है जिसकी आप मेरे से class चाह रहे हो काफ़ी time से. Who among the following options proved to be the primary point of difference between analytics and critical? जब हम political theory को analyze करते हैं और criticize करते हैं, उसके बीच में वो जो thin line है फर्क, analysis versus criticism का जो फर्क होता है, वो इसमें से क्या होता है? Ontology, epistemology या methodology? क्या ऐसी चीज होती है जो इन दोनों के बीच का फर्क तय कर सकती है? एपिस्टेमोलॉजी प्रैक्टिकलिटी है. आंसर गलत है, वो दोनों जगह है. अगर आप रिसर्च बेस्ड वर्ड यूज कर रहे हो तो एपिस्टेमोलॉजी दोनों में है. अगर आप एनालाइज करते हो और आप क्रिटिसाइज करते हो तो आप दोनों से सिर्फ यही, वो डिफरेंस पूछ रहा है. प्राइमरी पॉइंट ऑफ डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द मेथड दैट यू आर अप्लाइंग. आप किस मेथड से एनालिसिस करते हो वर्सेस क्रिटिसाइज करते हो, वो आपके दोनों ब्लॉक्स को सेपरेट कर देता है. सो वो जो एक बारीक फर्क है ना कि कब वो चीज नेगेटिव रूप धारण करेगी और कब पॉजिटिव. एनालिसिस क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव का एक सार करना, उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन निकालना. लेकिन क्रिटिकल क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ व्यू पे उसको पकड़ के बदलने का काम करना. दोनों मेथड्स के फर्क है. आप ऐसे निकले बट यू क्रॉस्ड योर पाथ लाइक दिस. वन पाथ स्टैंड्स फॉर एनालिसिस एंड देन स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल. सो जो आपके मेथड्स हैं उनके वेरिएशन आपको इन दोनों के बीच का फर्क दिखाते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अगेन अ फुल ऑफ एनालिसिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6.
आईएसआई मॉडल सबसे पहले कहाँ लागू करा गया था? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत आसान है गैस करना। विच वॉज द बर्थ ऑफ डिपेंडेंसी, वहीं सही आएगा। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी देश से आएगा जहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन करने की आवश्यकता है। सैप याद है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, नॉर्थ साउथ डायलॉग 1970s से स्टार्ट हुआ है आइडिया। आपको इकोनॉमिक्स में अगर रिच नेशंस थोड़ा बहुत भर सकते हैं गैप तो उन्हें सामने आना चाहिए है इसको भरने के लिए, सो दैट स्ट्रक्चरली द कंट्रीज हु डोंट हैव एनीथिंग कैन बी मेड बेटर विद टाइम। ओके, एंड दैट्स व्हेन यू रिकॉल अ कॉन्टिनेंट लाइक लैटिन अमेरिका, अ बर्थ प्लेस ऑफ वेरी वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट डिपेंडेंसी, रिसर्च बाय एंडर गुड फ्रैंक, ए जी फ्रैंक। All right, we will end the question with last for today's session. बहुत special question, कल कर चुके हैं इसका उल्टा part. आज we will do it this manner. Alexander Wendt ने IR के कौन से theory को popularize करा है? Philosophical, social, political, economic. कल आपसे पूछा गया था social theory of IR किसने propound करा है? आप लोगों ने आंसर तब चूज करा था अलेक्जेंडर वेंट बिकॉज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। 2018 में सेम यूनिवर्सिटी के पेपर को, मतलब पहले ये आया है ऑब्वियसली, वो वाला क्वेश्चन अगले साल आया है, बट रिवर्स्ड क्वेश्चन है। सो आंसर रिमेन्स द सेम, अलेक्जेंडर वेंट सोशल थ्योरी और वाइस वर्सा सोशल थ्योरी अलेक्जेंडर वेंट आईआर में। So today's class will end here. I hope you guys had fun joining me in 2019 and 18 ka chota sa snippet of Delhi University entrances. If you are interested in classes like these, please let me know either on Unacademy or on my Telegram channel or in the comment section. Agar aap interested honge, so I will help you with this. Theek hai? So I'll see you guys in my next class next week. Agar aap free classes Unacademy pe join karna chahte hain, you can use my unlocking code SupreetLive and referral code SupreetLive. Thanks guys, good night.